Governor intizamiya hosh mein aao hosh mein aao panchayat ke sath insaaf karo insaaf karo insaaf karo panchayat ke sath insaaf all Jammu and Kashmir panchayat conference we want justice we want justice hosh mein aao administration hosh mein aao we want justice we want justice we want justice puri karo hamari mange puri karo मेरा नाम रियाज अहमद भट्ट है। मैं 505 से डिप्टी सरपंच बना और इस्टेम आल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कुलगाम से हूँ। प्रोटेस्ट हम इसलिए करने गए हैं कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला फाइनेंस कमिश्नर ने कि बैक टू विलेज के जितने भी फंड 10-10 लाख रुपए एक एक पंचायत हलके में आ रहे थे उन पे वो एटेंडिंग करने जा रहे हैं। हमने उनको बोला कि आप इंडेटिंग मत कीजिए क्योंकि हम अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को इससे रोज़गार दे रहे थे। मेन डे जनरेट होते थे एमजी नरेगा के, हम कन्वर्जन डालते थे इसमें और जो बेरोज़गार यूथ है उसको हम रोज़गार देते थे। लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही, पंचायत की बात वो नहीं सुन रही। पंचायत कागजों में है, एक्ट में है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर हम VLW से लेके डिप्टी कमिश्नर तक अगर हम अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचते नहीं। आज वहाँ पर पहुँच गई J&K की पंचायत की, अब VLW भी हमें बोलता है कि आप लोग कौन हो। सर आपकी डिमांड है, शॉर्ट में बता दीजिए आपकी डिमांड। हमारी डिमांड है ई-टेंडरिंग कैंसिल होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे BDC 5 सरपंच जो हैं डेडिकेटेड 5 सरपंच उनको इमजेट सिक्योरिटी इशू किया जाए। हमने इनसे बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, इनको सिक्योरिटी दे। थर्ड डिमांड हमारी जो है एक और उसमें ये है कि जो हमारे मतलब PDF पंचायत डेवलपमेंट फंड्स जो है वही है ना, तो गवर्नर साहब ने इससे भी बोला पंचायत लेवल पे वो 20-20 लाख रुपए दिया जाए ताकि 5 सरपंच अगर किसी जगह जैसे 2014 में सितंबर में बाढ़ आई है इस तरह का वाक़ा अगर कोई हो तो हमारे पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए थे, हम टेम्पररी ट्रेट पे कुछ ट्रीटमेंट कर सकें। हम टेम्पररी तरीके पे इशू करेंगे और ये बाकी आपको ये भी बता देंगे।